प्रधानमंत्रि जून विंशति दिनाकात देश प्रदर्श अद वर्षात ऊर्विनागरिक्क सूच्यौषधि प्राप्त घोषणा कृता प्रधानमंत्री दरिद्र कल्याण अन्न योजना दीपावली पर्यत अग्रे कर्त घोषणा बाच्यौषध पीक्षण प्रवर्त कोरोना प्रकरणेषु सु सुधारा नन्तनम विभिन्न प्रदेशेषु प्रंधल्य देशे प्रतिदिनम एक लक्ष नव कोरोना संक्रमण प्रकरणानि एक षष्ठितमे दिवसे सर्वाधिक न्यूनानी प्रकरणानि तथा च सक्रिय प्रकरणानि चतुर्दश लक्षम एक सहस्रम नवोत्तर षट शतम् अभवन् स्वास्थ्य लाभमानम प्रायः चतुर्णवती प्रतिशतम अस्ति केंद्र प्रशासन शिक्षा व्यवसाय टोक्यो ओलंप्रीडा गंतकाना नागरिकणते सूच्यौषधे दिंग निर्देश प्रदत्ता कॉविन प्रमाणपत्र यात्रिण पासपोर्ट इन सह संबद्ध करीय गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े पुनः विषाणु विषाणुरय अदृश्य शत्रु सुरक्षाई कोरोना निर्देश दृढ़त अन्लनीया विश्व बृहतम सूच्यौषध प्रयोगायान आलक्ष्य प्रधानमंत्री कथित अस्ट काले भारत देश विश्व विकसित वर्त जनवरी दिनाकात सूच्यौषध प्रयोग भी यान प्रारब्धम अभियाने विश्व स्वास्थ्य संघटन दिंग निर्देशना पालनम अभवत अप्रैल मस पर्यत अभियानिद प्रचलित परम विभिदिकाया दितीय तरंगे स्वास्थ्य प्रकरणष् विकेन्द्रीकरण से अनोध आसत प्रदेश केंद्र प्रशासन व्यवस्था परिवर्त्य पंच विशति प्रातिशत दायिव प्रदेश साम विभीषिका गत शर्षेष महत्सदोषयताधानिणा भणित ये आपत्का राजनीति न नौष विषय भ्रामक सूचना प्रसार से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को आश्वस्त किया कि 18 साल के ऊपर के लोगों को भी सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी राज्यों को और राज्यों के द्वारा उनको दी जाएगी कोई भूखा न सोए इसके लिए 80 करोड़ गरीबों को पहले फेज में आठ महीने मुफ्त राशन दिया था अब इस बार 6 महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं और आठ महीने में हर महीने के पांच किलो के हिसाब से चालीस किलो अनाज मुफ्त मिला था अब पांच किलो के दर से छह महीने का तीस किलो अनाज लोगों को मुफ्त मिलेगा सर्वे सूच्य षधे संयुक्ता भवे एकद प्रधानमंत्रि विनस्ता योजनाया स्वागत केंद्र प्रदेशना च मंत्रिण्तव अन सूच्यौषध प्रयोगायान सजव वर्धिष्य सहैव प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनाया विस्तरी स्वागतम अभूत जिस मजबूती के साथ आदनीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नजदीक है देशे कोविड संक्रमण से द्वितीय तरंग मध्य सुखाव सूचना देश कॉविड उपचाराधीना संख्या सतत अचितिगत अहोरात्रिशद्शोत्तर लक्षाधिक नूत कोरना प्रकरणी पंजीकृता स्वस्थता मवर्ध्य चतर्णवतीशन्मता अभूत देशे सांप्रतम यावत त्रयो विंशति कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्य वितरितानि सन्ति अधुना देशे आहत्य नवाधिक षड् शतोत्तर चतुर्दश लक्ष जना अस्मात् रोगात् संक्रमिता सन्ति विगतासु चतुर्विंशतु होरासु देशे नवनवत्यधिक त्रिशतोत्तर चतुःसप्तति सहस्राधिकैक लक्ष जना स्वस्थीभूता देशे सांप्रतम यावत् त्रिशती ही लक्षाधिक षड्त्रिशत कोटि तोप यथिकानी कोरोना परीक्षणानी संजातानी, गमना गमन प्रतिबंध प्रक्रिया नंतरम अधुना और प्रतिबंधस्य कालहस समागता ह। राज्यानाम स्थितिम समीक्षा महीर यदि तरही दिल्लियां नियमाय सहातिकानी सह कार्यालयाश्च अनावृता ह। मेट्रो मेट्रोसेवा पिचाल प्रतिशत उपवेशन क्षमताया उपयोग महाराष्ट्र प्रशासन संक्रमण आल् प्रदेश कोरोना संबद्धेश प्रतिबंधेष् शिथिलीकरण पंचायत योजना घोषिता गुजरात प्रदेश कार्यालय पूर्ण क्षमत सह उदाटना अन्मता सीता उत्तर प्रदेश लखनऊ मेरठ गोरखपुर प्रदेशन अतिरच्य सवेष् जनपद कोरोना प्रतिबंध अकृत तमिलनाडु प्रदेश राजधान्या चेन्नई नगरअन शन उद्घाटन प्रक्रिया सारब्धा वर्त प्रतिबंधे प्रतिबंध प्रदत्ते प्रदत्त हाटका समद्घाटिता स

प्रायः प्रदेशेषु कोरोना प्रकरणानि न्यूनी भवन्ति देशस्य सभ्य प्रकरणानां त्र्यशीति प्रतिशतं दश प्रदेशेषु परिलक्ष्यते महाराष्ट्र गुजरात प्रदेशयोः ब्लैक फंगस इत्यस्य अधिकानि प्रकरणानि सन्ति सूच्यौषध प्रयोगाभियाने सपाद त्रयो विंशति कोटि सूच्यौषध प्रयुक्ता देशस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने बालेषु कोरोना सूच्यौषधै परीक्षणं प्रारब्धम् केंद्र प्रशासन कोविन पटले पंजीकरण प्रक्रिया सरलीक प्रयतते दिव्यांग कोविन पटले पंजीकरण प्रक्रिया विशिष्ट विकलांग प्रमाण प्रमाणपत्र अन्मत अस्ट प्रकरण केंद्र प्रशासन प्रदेशभ्य पत्रम संदिष्ट प्रावधा क्रियमाणी सी अचिमें पटले समपलब्धि भविष्य ओपन चतुर्थीम वरीयताम प्राप्ता गतवर्षे उपविजेत्री सोफिया सोफिया कैनेनेता ग्रीस मारिया सक्करी इत्यनया पराजिता पुरुष एकल प्रतिस्पर्धायां नोवाक इत्यनेन विच चरणे स्थानं ग्रहीत लोरेंजो इत्यनेन सह दृढ़ संघर्षः कृतः वार्ता संस्करण में तथा संपद्यते अधुना अभिनव वार्ता भी सब पुनः उपस्थितस्याम